क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 21। एक भवन के 10 बेलनाकार स्तंभों को रंगवाना है, यदि प्रत्येक स्तंभ का व्यास, अच्छा व्यास दिया है तो हम लोग उसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या क्या हो जाएगी, 50/2 सेंटीमीटर। व्यास का आधा 25 बार में कट जाएगा, यानी कि त्रिज्या यहां से 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। और ऊंचाई 4 मीटर है, ऊंचाई आपकी 4 मीटर है, ठीक है, ऊंचाई आपकी क्या है 4 मीटर है। तो ऊंचाई 4 मीटर, आपको देखो क्या कह रहा है कि 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगवाने का व्यय। तो 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर, मीटर की बात कर रहा है, यानी यहाँ त्रिज्या भी हमें मीटर में बदलना होगा। तो R बराबर में यहां से क्या हो जाएगा आपका 25/100 मीटर, यानी कि आप 1/4 लिख सकते हो। R बराबर क्या आ गया, 1/4 मीटर हो गया और ऊंचाई आपकी 4 मीटर हो गई, ठीक है। तो 50 पैसे प्रति मीटर की दर से रंगवाने में क्या खर्च लगेगा ये आपको बताना है। तो देखो खंभा जो भी होगा, खंभा जो बेलनाकार खंभा होगा, अगर मान लो भवन में कहीं लगा हुआ है तो ऊपर का सतह ये तो रंगेंगे नहीं, या नीचे वो जमीन से लगा है तो इसको तो रंगेंगे नहीं, हम लोग इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही रंगेंगे। तो पहले कुल क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, है ना। 10 स्तंभों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जिसकी रंगाई करनी है, ठीक है, उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। तो 10 और गुना में 2πr लगाएंगे। क्यों 2πr लगा रहे हैं, क्योंकि नीचे से तो कोई मतलब नहीं हो, तो जमीन से लगा है और ये छत से लगा है, हमें तो इसका वक्र पीछे छतफल ही लगाना है जी। ये 10 × 20 हो जाएगा, गुना में पाई के जगह क्या यूज करना है 3.14, 22/7 लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, 3.14। और गुना में आर का मान है 1/4, ठीक है, और एच का मान है आपका 4 m². या देखो 4 से 4 आपका कट जाएगा। अब हम लोग 20 में गुना कर देंगे 3.14 में 20 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 62.8 m². और अब हमें 50 पैसे के हिसाब से चलना है तो मैं लिख सकता हूं कि रंगाई कराने का कुल खर्च आपको 50 पैसे प्रति m² की दर से देना है। तो 62.8 में गुना कर दूंगा 50 पैसे, तो उसे मैं रुपए में कर दूंगा 0.50 रुपए, ठीक है, रुपए में कर देंगे। 50 पैसे से इसमें गुना कर देंगे तो 31.4 आएगा, तो एक जीरो यहां लगा सकते हैं, तो 31 रुपए 40 पैसा लगेगा रंगाई कराने में, समझ गए। चलिए अगला को